सात सूत्री मांगों को लेकर युवा राष्ट्रीय जनता दल करेगी अनिश्चितकालीन धरना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिजली विभाग चिरकुंडा कार्यालय के समीप फूका जाएगा बिगुल। युवा राष्ट्रीय जनता दल धनबाद जिला द्वारा चिरकुंडा बिजली कार्यालय के समीप सात सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। उक्त बातें शनिवार को चिरकुंडा राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टू मिश्रा ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को पूर्व में एक दिवसीय धरना देकर सात सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था, जिसके उपरांत अब तक किसी बिंदु पर पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की लचर व्यवस्था और वर्षों से यहां पर एसडीओ के पद पर बैठे पदाधिकारी तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। आम जनों की समस्या को लेकर राजद ने शांतिपूर्वक तरीके से अनिश्चितकालीन धरना युवा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन बिजली कार्यालय के समीप धरना करेगी। 3/1/2023 को हम लोग एक बिजली विभाग के कार्यालय में सात सूत्री मांग को लेकर के बैठे थे, जिन मांगों का अभी तक कोई वहाँ से ना लिखित या ठोस कोई आश्वासन भी नहीं है और ना उस पर कोई कार्रवाई है, जिसके कारण हम लोग एक निर्णय लिया है कि युवा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले पूरा राजद परिवार एक अनिश्चितकालीन धरना पर वहाँ टेंट और बाजा के साथ वहाँ बैठने जा रही है, जिसका समय सीमा और डेट हम लोग 25 तारीख को निर्धारित किए हैं कि 25/1/2023 हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर वहाँ बैठेंगे। क्या क्या मुद्दा थी हम लोगों को? पूर्व में ये सब का मांग था ही कि बिजली का जितना भी जर्जर स्थिति है, कहीं कहीं तो ऐसा है कि जहाँ पार होइएगा रोड से तो आपके सर में तार चढ़ जाएगा, इतना नीचे तक का स्थिति है। और कहीं कहीं आप देखिए तो बिजली का जो तार है वो सरकारी खंभा पर आपको अलग अलग BSNL का हो चाहे अलग अलग केबल, सारे केबल उसी पर लदा हुआ पड़ा है, जिसके चलते तार का स्थिति और भी खराब हो गया। और खुला तार, जिसको खुला तार कहते हैं, कभी भी दुर्घटना घट जाएगी। नगर परिषद में करीबन 3 बार इससे घटना घटी है जिसमें लोग मरे हैं। एक तो अभी वर्तमान में ही करीबन 6-7 महीना हो गया, उस बच्चा को चांदनी का लड़का था आर्यन खान, उसमें 7 साल का बच्चा तार चूके गिरा था, पकड़ा बेचारा, उस बीच में दुर्घटना के कारण मर गया, जिसका ढुलमिल स्थिति बिजली विभाग का आज तक उस विषय में भी कुछ नहीं किया। तार टूट के गिर जाता है, उसके अंदर नीचे जाली अभी तक नहीं भी लगाए हैं, तार टूट करके गिर जाता है, उसमें कहीं भी आयरन स्विच नहीं है।